व्हाट्सअप गाइस, बहुत दिनों बाद आज हम देखने वाले संबित पात्रा सर की वीडियो। थग लाइफ वीडियो होने वाली, मस्त होने वाली, मजेदार होने वाली, और किसके गेट? सुप्रिया के। तो चैनल में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, बहाने ढूंढना, एक्सक्यूज ढूंढना अपने हार के लिए। ईवीएम खराब, हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब, केस हार गए तो सुप्रीम कोर्ट खराब, और अमेठी से हार गए तो नॉर्थ की जनता खराब, उत्तर प्रदेश की जनता खराब। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा कि एकमात्र ऐसा नेता है जो साउथ इंडिया से भी चुना जा सकता है, नॉर्थ इंडिया से भी चुना जा सकता है। देखिए, तो ऐसे महिमा मंडित कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, मंगल ग्रह से भी चुना जा सकता है। ऐसे बयान अगर देते रहेंगे तो वो दिन देर दूर नहीं जब भारतवर्ष से चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे। जिस दिन राहुल गांधी जी को कांग्रेस हटा देगी या जिस दिन कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, अगले क्षण आप देखिएगा हम राहुल गांधी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। यही तो डेमोक्रेसी होती है। yes. चाहे आपका विपक्ष का नेता कितना भी गौण, मैं आदर के साथ कह रहा हूं, कितना भी नासमझ, कितना भी बुद्धू, कितना भी मतलब नहीं समझने वाला क्यों ना हो, मगर आपको रेस्पेक्ट देना पड़ता है जी। रूबिका जी, मैं खुल के एक बात कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है, ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा, ट्वीट करो, पास्ता राहुल या राहुल पास्ता। भूमिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहाँ हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बतिया तुम्हारी उदेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूँ राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे, मैं भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, भगवान तुम्हारा लीडर, तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर, अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है, अरे बुद्धू है, बुद्धू है, वो बुद्धू को क्या बचा रही हो आप, छोड़ो ना, अरे बुद्धू है, बुद्धू है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर, बैठो ना, क्या करते, किसको लेके आते हैं आप रूबिका जी, किसको लेके आते हो? अनपढ़ गवारों को मत बुलाया करो डिबेट। आप बताइए, इनकी आरोगेंस को देखिए। अब मेरे पास आखिरी का कुछ, आखिरी के कुछ लम्हे बचे हैं। ये अनपढ़ गवारों को देखिए, स्पेशली इसीलिए बुलाया गया। मैं उत्तर तो दे दूं, सुप्रेशनेट रुक जाइए। हाँ ठीक है, आप कह दिया है कि आप दोनों ने एक एक पॉइंट स्कोर कर दिए ना सर, दोनों ने कर दिए ना, सुप्रेशनेट संबित पात्रा, आप दोनों ने कर दिए, एक एक मार्क्स दोनों को दे दिए मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों को एक एक मार्क्स इसके लिए दे दिया। देखिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे आपके मार्क्स नहीं चाहिए। देखिए रूबिका जी, हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी, इतना शानदार आपने नाम दिया है, मार्क्स तो लेने पड़ेंगे। हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी, अरे रुकिए ना, कोई बात नहीं रूबिका जी, बात तो वो भी तो हमारे नेता को कह रहे थे, उनको भी मार्क्स दे दीजिए। सीट रह गए हैं, यही जो भाषा ये प्रधानमंत्री के लिए दिया ना उन्होंने, मैंने ले लिया, हाँ मैंने ले लिया है मार्क, आप वापस कर दीजिएगा मुझे। देखिए, आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे, राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, आदरणीय गिरिराज जी ने इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है, आज फिर बोल रहे थे देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, अरे मंत्री बनने लायक नहीं आपके लोग, माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? किसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है? आप तो सालों से ये, यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, अनकूथ, अनएजुकेटेड, इलिटरेट वुमन ऑफ दिस होल प्लैनेट, आई टेल यू, मोस्ट अनकूथ वुमन, अनकूथ वुमन, अनकूथ वुमन, इलिटरेट वुमन, अनकर्टियस वुमन, दैट इज व्हाट यू आर, लेट मी टेल यू, प्लीज 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 कंसीडर ईच, प्लीज यू आर अ ब्लडी जैकर, दैट्स व्हाट यू आर, व्हाट आर यू गाइस डूइंग, प्लीज यू आर अ साइकेट्रिक पेशेंट, आप दोनों रुक जाइए, आपको मुझे अभी यहां पर रोकना पड़ेगा। सुप्रिया संबित पात्रा, जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो, और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप झुक जाओ। शब्द है इसके लिए, महात्मा गांधी कहते थे सत्याग्रह की बात करते थे, सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। और ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है जिस तरीके से आज, देखिए अगर बहन को कोई दिक्कत है, और कुश्ती संघ की अगर बात करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो एक व्यक्ति बैठे हैं
अगर आपको कुश्ती खेलनी है और भी जाट हमारे भाई बहन है जो खेल रहे हैं उनको मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कोई युवा आ रहा है जाट समाज से आ रहा है किसान परिवार से आ रहा है जो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन ये चाहते हैं कि सीधा उनको इंटरनेशनल खिलाया जाए नेशनल में उनको खेलने नहीं। मेरा सवाल आपसे था रोहित जी, मेरा सवाल आपसे था कि आप तो कहते हैं गरीब युवा किसान महिला यही चार जातियां हैं। देखिए अपमान तो है ना, एक गरीब व्यक्ति जो है गरीबों की जब हम बात करते हैं तो एक किसान परिवार की जब बात करते हैं तो धनखड़ जी वहीं से तो आते हैं। एक गरीब किसान परिवार के बेटे अगर वहां तक पहुंचे और संवैधानिक पद तक पहुंचे हैं तो उसका मजाक कांग्रेस पार्टी लगातार उड़ाने का काम कर रही है। अगर उनकी जिस जाति से आते हैं तो कहीं ना कहीं एक पूरी जाति का भी अपमान है। और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया कोई कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर रहा है, कोई अपना पद्मश्री सड़क पे रख दे रहा है, वो भी तो किसी समुदाय से आते हैं, तब क्या जाटों का अपमान नहीं होता जी? देखिए आपको ये भी तो देखना पड़ेगा बाद में जाके प्रियंका गांधी जी के साथ बैठते हैं, वो बैठते समाज के प्रमुख लोगों के साथ या जो बाकी खिलाड़ियों के साथ, वो गिने चुने ही क्यों थे? बाकी खिलाड़ी जो युवा आ रहे हैं चाहे वो किसान परिवार से जाट समाज से आते हैं वो कहते नहीं हमें उनके साथ खेलने का मौका मिलना चाहिए। देखिए सबको किसी का भी मजाक उड़ाने का अधिकार है, अधिकार है, संविधान देता है, आप प्रधानमंत्री का, मंत्री का, सांसद का, विधायक का, मगर सबने स्कूल में पढ़ा होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। अगर आपको याद हो हमारे जमाने में तो सिर्फ कार्टून ही निकलता था तो साफ साफ बताया जाता था कि कार्टून नहीं बनाया जा सकता प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। इसलिए जब ये तुलना की बात करते हैं तो सोच समझ के तुलना की बात करें। दूसरा पॉइंट, तीसरा भी जवाब दूंगा, इन्होंने कहा उभरे अंत न हो निबाहु काल नेमि जिम रावण राहु, इसका मतलब जानते क्या था? जब हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे थे तो काल नेमि राम का राक्षस झूठा राम भक्त बन के खड़ा हो गया था कि तुम नीचे उतर आओ, मगर हनुमान जी को पता था कि सच्चा राम भक्त कौन है और झूठा राम भक्त कौन है। कौन कह रहा है? बिल्कुल सही पता है। कौन कह रहा है? राम ये बिना मोहि कहां विश्राम, वो हमने करके दिखाया। और जो लोग ऐसे नाटक करके जाते थे अच्छा, वो बेचारे ऊपर गए, वो ऊपर के ऊपर नहीं पाए। अब दूसरी बात इजराइल हो रही है, अब मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए। आजकल इन्होंने कहा इजराइल से हमारी तुलना, बिल्कुल सही बात है, मेरा दिल भी कचोटता था, छोटा सा देश और उसके ऊपर कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता था, घुस घुस के मारता था हमारी। ये तो है भैया, यहाँ पर मैं ये सबसे पहले कहूंगा कि संबित पात्रा सर का कौन कौन फैन है कमेंट करके जरूर बता देना। उनकी डिबेट में मैं हमेशा ये कहूंगा कि वो एक मस्ती वाला मनोरंजन, ऐसा लगता है कि कॉमेडी शो देख रहे हो आप जब उनकी बातें, क्योंकि एक तो उनका अंदाज बात करने का, साथ ही साथ जब खासकर इनकी सुप्रिया के साथ जब डिबेट होती है, याद है एक बहुत पुरानी डिबेट है, मैं अंग्रेजी हूँ मुझे ध्यान से देखिए, अंग्रेजी हाँ है, एंटोनियो एंटोनियो मानियो में बोल देते हैं वो बढ़िया था। और मुझे ये लगता है कि भैया देखो डिबेट होती है एंजॉयमेंट के लिए मस्त। एक मुझे वो रेसलिंग वाला मामला ना, मेरे को थोड़ा सा, मैं आउट ऑफ टच हूँ, मुझे उसका पता नहीं है कि वो थोड़ा सा वो, तो अगर आपकी कोई राय है उसके ऊपर जरूर कि किस पक्ष के साथ हो आप, क्या पॉइंट ऑफ बताना जरूर। बाकी सुधांशु सर की भी एक बोनस क्लिप मिली गई भैया साथ में एंजॉय करने के लिए। आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा आपकी टेक भी जानना। बाकी मुझे आपको पता ही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, बहुत बार बार वीडियोस में मुझे लगता है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं किसी पार्टी का फेवर कभी नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि जो लीडर होता है, फेस होता है, वो बहुत मैटर करता है। इस टाइम में मुझे कांग्रेस में वो लीडर नहीं दिखाई देता कोई भी, जबकि अगर मैं बात करूं मुझे मोदी जी में वो काबिलियत दिखती है और उन्होंने प्रूव भी किया है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर शेयर करें, ये वीडियो भाई और फैला देना ताकि कॉमेडी से भरपूर थी वीडियो। एक वो मुझे समझ नहीं आया वो सत्याग्रह वाला क्या था, हाँ सत्याग्रह, हाँ वो कि वो सत्याग्रस्त कैसे हो सकता है यार, वो ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो ज्यादा रॉन्ग नहीं हो गया, ये तो ऑफ ट्रैक, वो कहता ना कि गलत रास्ते पे निकल लेना गलत ट्रैक पे चल गए। मिलते हैं आपसे को वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।